वीडियो ये बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है और इस वीडियो में संदेश खाली की स्थितियों को दिखाया गया है, जिस खुलासे का दावा लगातार बीजेपी कर रही थी उसकी तस्वीरें इस वीडियो में सामने आ रही है। संदेश खाली पर बीजेपी का ये वीडियो शेयर किया गया है बीजेपी की तरफ से। इसमें तमाम स्थितियों को महिलाओं ने किस प्रकार से यहाँ पर नारेबाजी की, कैसे वो परेशान हुई, ये तमाम बातों का जिक्र इस वीडियो में किया गया है। ये पूरी जो डॉक्यूमेंट्री है वो बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। संदेश खाली पर जो वीडियो है और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है द संदेश खाली शॉकर द बिग रिवील, यानी कि एक बड़ा खुलासा बीजेपी इस पूरे वीडियो के जरिए करने का दावा कर रही है। बीजेपी ने इस वीडियो को जारी कर दिया है। संदेश खाली में पिछले दिनों हुई जो हिंसा है, लगातार महिलाएं इस पूरे मामले को लेकर उठाती रही, हालांकि डर का माहौल भी महिलाओं में देखने को मिल रहा था। महिला अत्याचार को लेकर लगातार बीजेपी ममता सरकार को घेर रही है, कोलकाता से लेकर दिल्ली तक लगातार जो सियासी पारा है वो इस पूरे मुद्दे को लेकर गरमाया हुआ है। हमारे साथ विक्रम लगातार जुड़े हुए हैं। विक्रम, ये वीडियो बीजेपी ने जारी कर दिया है जिसमें संदेश खाली की स्थितियों को दिखाया गया है और ममता सरकार को घेरा गया है। संदेश खाली में क्या कुछ रहा पिछले दिनों, स्थितियां, हालात, वो सब कुछ इस वीडियो में। विक्रम, देखिए कितना डर का माहौल है, आप समझ सकते हो कि जो महिलाएं हैं यहाँ का, उन पे सालों से अत्याचार किया जाता है। पार्टी ऑफिस में पार्टी मीटिंग के नाम पे इनको बुलाया जाता है, फिर इनको रात भर अत्याचार किया जाता है। जब ये महिलाएं अपना कंप्लेन लेके पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस क्या करती है कि जो एक्यूज्ड है शिबू उत्तम शाहजहां उनके पास ही विक्टिम को भेज देते थे और कोई कंप्लेन या FIR नहीं लिया जाता था। कोई अगर प्रोटेस्ट करता था तो उनके फैमिली के ऊपर अत्याचार किया जाता था, उनका हस्बैंड, उनका परिवार को पीटा जाता था, बच्चों को गन पॉइंट पे रख के महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जाता था। यही सब जो बातें हैं, अनकही बातें हैं महिलाओं का वीडियो में, जो बीजेपी दावा कर रहा है कि डॉक्यूमेंट्री की तरफ से इन्होंने दिखाया है। अभी आपको बता दूं कि कल को ही राजीव कुमार, जो कि राज्य पुलिस का DGP है, पहली बार ये घटने के बाद वो आए थे, कुछ मीटिंग्स किए, कुछ जगह पे उन्होंने गए थे, फिर आज वो कलकत्ते लौट रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा बात है कि शेख शाहजहां का है, जब राजीव कुमार को ये बात पूछा गया तब कोई सवाल का उत्तर उन्होंने दे नहीं पाया। आपको बता दूं कि जो हाल है यहाँ पे, शेख शाहजहां जब तक अरेस्ट नहीं होता है, ये जो महिलाएं हैं, गांव के बच्चे हैं, ये लोग अभी भी डरे हुए हैं, क्योंकि शिबू और उत्तम अरेस्ट होने से भी मेन एक्यूज्ड है ये शेख शाहजहां, जो पूरा कंट्रोल करता था शिबू और उत्तम के हाथों से। ये शेख शाहजहां अभी तक कहा है, जो कि सिर्फ महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने में ही आरोपी नहीं है, इसके अलावा ED के ऊपर हमला, CRPF के ऊपर हमला, एक से बढ़कर एक आरोप इनका ऊपर है, फिर भी राज्य पुलिस क्यों उनको अरेस्ट नहीं कर रहा है, यही सवाल उठा रहे हैं गांव वाले। आप देख सकते हो इस वक्त मैं संदेश खाली में खड़ा हूँ जहाँ पे पुलिस के डिप्लॉयमेंट्स है, और इसके साथ आप देख सकते हो ऐसे ही लॉन्च से जो आइलैंड्स है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है बहुत ही खराब हाल में है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी कुछ नहीं है, इसके लिए ये लॉन्च जो आप देख रहे हो, इसी पुलिस का लॉन्च से ये लोग कई जगहों पे पेट्रोल कर रहे थे। DGP भी पेट्रोल किए हैं, बात किए हैं गांव वालों से, लेकिन अभी भी गांव वालों को जो आस्था है, जो भरोसा है, वो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि शेख शाहजहां जो है वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। NHRC की तरफ से भी देखिए यहाँ पर नोटिस भेजा गया है, NHRC ने स्वतः संज्ञान लिया है विक्रम, और ये कहा है कि 4 हफ्ते के अंदर जवाब दिया जाए क्या कुछ कार्रवाई की गई है। साथ ही दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल जो कि आप भी उठा रहे हो, लगातार उठता है, कि आखिर शाहजहां शेख है कहाँ। कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि इतना बड़ा मामला हो जाता है, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, अगर पुलिस शाहजहां शेख के घर की तरफ आगे बढ़ती है तो वहां पर गांव वाले आ जाते हैं, मीडिया को नहीं जाने देते, ईडी की टीम पहुंचती है तो उन पर हमला हो जाता है। इस प्रकार की जो दिक्कतें लगातार हो रही है पश्चिम बंगाल में, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर दूसरे मुद्दों को लेकर हमलावर है, लेकिन संदेश खाली पर कुछ नहीं बोल रही है। विक्रम, you
जी बिल्कुल, आपको आपको बता दूं इससे पहले जो शेड्यूल कास्ट कमीशन है, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन, उनका रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आए थे। उसके साथ साथ चाइल्ड राइट्स कमीशन जो है उनका भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो भी यहाँ पे विजिट किए हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन उन्होंने भी विजिट किए हैं। इससे पहले जो देखा गया था कि एक तरफ से चाइल्ड राइट कमीशन, दूसरी तरफ से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, दोनों ही संस्थाओं ने राष्ट्रपति शासन का सिफारिश किया है, रिकमेंडेशन दिया है। आज जो है नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन आने वाला है, उन वो लोग जो यहाँ पे ज्यादातर पॉपुलेशन है, वो लोग शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब या फिर आदिवासी है, इन लोगों से बात करेंगे कैसे इनके ऊपर टॉर्चर किया गया है, ये बात सुनेंगे वो। इसके बाद नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन अपना क्या रिकमेंडेशन देता है ये देखने की बात है। उसके अलावा आपको बता दूं कि जहां पे शेख शाहजहां के खिलाफ इतना कई आरोप उठ रहा है, वहां पे देखा जा रहा है कि शासक दल जो है या प्रशासन जो है वहां से शाहजहां के खिलाफ एक भी बात वहां से नहीं आ रहा है। ये भी दिखा जा रहा है कि कोई बोल रहा है कि शाहजहां ने क्या किया है, कोई बोल रहा है कि शाहजहां को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन क्यों शाहजहां को। ठीक विक्रम, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। लॉकेट चैटर्जी, ये एक बड़ा मुद्दा लगातार है, लेकिन लगातार ममता बनर्जी की तरफ से दूसरे मुद्दों पर बीजेपी को घेरा जा रहा है, बात रखी जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी संदेश खाली को लेकर चुप है, कुछ नहीं कहा जा रहा है। शाहजहां शेख कहां है नहीं पता, कोर्ट की तरफ से फटकार लगा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं, क्या कहेंगे आप? देखिए, संदेश खाली में महिला के ऊपर जी जो सालों सालों से जो अत्याचार हुआ, जो गैंगरेप हुआ, जो उनके साथ हुआ है, अभी तक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी सब के लिए बात कर रहे, एक्सेप्ट महिला, एक्सेप्ट संदेश खाली। उन्होंने बहुत सारा कुछ बात कर रहे, उसमें राजनीति लेकर आ रहे, लेकिन अभी तक जो संदेश खाली में जिसका नेतृत्व में हुआ शेख शाहजहां, वो अभी कहाँ हैं? सब लोग, उनका परिवार का लोग शेख शाहजहां के साथ बात कर पाते हैं, लेकिन पुलिस अभी तक उसको खोज नहीं पा रहे। इसका मतलब क्या है? ममता बनर्जी अभी तक संदेश खाली के महिला के ऊपर जो हुआ है उसके लिए वो बोले कि फुटेज मांग रहे हैं कि आपके साथ बलात्कार हुआ तो आपको, आप वीडियो फुटेज हमको दीजिए। तो मतलब कोई बलात्कार में वीडियो फुटेज मिलता है क्या? कभी कभी बोल रहे हैं कि वो बाहर से आए हैं महिला लोग, मतलब जो उनको मुख्यमंत्री बनाया, जो महिला लोग खुद का संदेश खाली का महिला लोग महिला के सुरक्षा के लिए महिला को मुख्यमंत्री बनाया था, आज वही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी वही महिला को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, उसके लिए एक भी सेंटेंस अभी तक नहीं बोल रहा है। तो पूरा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण का राजनीति चल रहा है। सामने लोकसभा वोट है, 30% वोट के लिए शाहजहां को अभी छुपा के रखे हैं। लॉकेट चटर्जी, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से बीजेपी को लेकर भी हमला बोला गया। उन्होंने कहा था कि दोहरा चरित्र बीजेपी अपनाती है, दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है वो बीजेपी नहीं देखती, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी है, लेकिन संदेश खाली में आकर सिर्फ सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, ये टीएमसी के आरोप है। ये ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री है, उसको पहले खुद का राज्य देखना चाहिए, उसको दूसरे का राज्यों में ऊपर घुमाना नहीं चाहिए, खुद का राज्य में क्या हो रहा है। और दूसरा बात है, इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, ये महिला का बात है, इसमें कोई बीजेपी टीएमसी सीपीएम ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, महिला के लिए हो रहा है। और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो रही है कि इसके बिना जांच नहीं हो पाएगी, संभव नहीं है, इसको लेकर आपका एक आखिरी रिएक्शन। जो लोग राष्ट्रपति शासन का जो बात है तो ऊपर का जैसा चलता है, संविधान बोलेंगे, राष्ट्रपति का राष्ट्रपति शासन मांग रहे हैं, लेकिन हम लोग मांग रहे हैं कि महिला का विचार। ठीक, बहुत शुक्रिया लॉकेट चटर्जी आपका हमारे साथ जुड़े के लिए, बातचीत के लिए। जीनी।